टेस्टी चना उपमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले लूंगी 1 कप सूजी और इसे लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है। अभी अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। अब मैं यहाँ पैन में डालूंगी 1 चम्मच तेल, आधा चम्मच राई। राई के पकते ही इसमें डालूंगी 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच चना दाल और इसे अच्छे से सौते कर लूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, थोड़ा सा हींग और इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लूंगी। 1 सूखी लाल मिर्ची, 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच मूंगफली और डाल दूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता और इसे भी अच्छे से सौते कर लूंगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी बारीक कटी हुई मिर्ची, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और इसे भी अच्छे से सौते कर लूंगी जब तक कि प्याज जो है वो अच्छे से पक ना जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 3/4 कप छोटा काला चना, आप चाहे तो 1 कप भी ले सकते हैं। इसे मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे मैंने चना को ओवरनाइट सोक कर लिया है और सुबह इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब मैं डालूंगी नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी पानी। पानी यहाँ पे मैंने 3 कप और आधा कप लिया है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसे ढककर मैं पानी को अच्छे से बॉईल कर लूंगी। 2-3 मिनट के बाद पानी जैसे ही अच्छे से बॉईल हो जाएगी, इस पे रोस्ट किया हुआ सूजी यानी रवा, इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर लूंगी और साथ ही साथ इसे अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी ताकि इसमें लम्स ना हो। इस टाइम पे अगर सूजी को पकाते समय आपको लगे कि पानी की मात्रा कम है तो आप 2-3 चम्मच पानी एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पे उपमा को अच्छे से पका लीजिएगा। अब ये उपमा बनकर रेडी हो गई है। डालूंगी मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी।